तो फ्रेंड आज का वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फ्लो चार्ट। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और इसको जानना काफी जरूरी भी है और ये आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को आसान बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये क्या है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है हमारे तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा ताकि प्लेलिस्ट में जो भी हमारे पिछले वीडियोस हैं उनको अगर आप देख लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए फायदा हो जाएगा क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है कि नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट बेसिकली क्या होता है। फ्लो चार्ट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी मैथमेटिक्स का सवाल होता है तो उस मैथमेटिक्स के सवाल को सॉल्व करने से पहले आप क्या करते हैं, एक रफ में कोई कैलकुलेशन करते हैं, है कि नहीं। तो वो कैलकुलेशन यानी जो अलग से जो चीजें यानी बड़े स्टेटमेंट को सॉल्व करने से पहले जो अलग से आप प्रोसीजर अप्लाई करते हैं वही आपका फ्लो चार्ट होता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स का जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि हम कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम, यानी वो डायग्राम होता है। वो डायग्राम कैसा हो सकता है, वो ग्राफिकल हो सकता है या फिर सिंबॉलिक हो सकता है। ग्राफिकल यानी कोई ग्राफ देके या फिर कोई सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंटेट करके, दैट रिप्रेजेंटेट एन एल्गोरिथम और प्रोसेस, जो क्या करता है रिप्रेजेंटेट करता है किसी एल्गोरिथम को और प्रोसेस को। ओके अगला पॉइंट कह रहा है ईच स्टेप इन द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाई अ डिफरेंट सैम्बल एंड कंटेन अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस स्टेप, यानी प्रत्येक जो आपका प्रोसेस होगा हर एक स्टेप के अंदर वो रिप्रेजेंटेड करेगा एक अलग सैम्बल को और वो जो सैम्बल होगा वो एक अलग डिस्क्रिप्शन को कैरी करेगा। अब वो सैम्बल किस तरीके का हो सकता है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप सारे पॉइंट्स को लिखते चलिएगा ताकि आपका नोट्स बनता रहेगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि द फ्लो चार्ट सैम्बल्स आर लिंक टूगेदर विथ एरो शोइंग द प्रोसेस फ्लो डायरेक्शन, यानी जो फ्लो चार्ट सिंबल होता है वो लिंक करता है एक दूसरे को एक एरो के माध्यम से जो क्या करता है उस प्रोसेस को फ्लो डायरेक्शन को रिप्रेजेंटेट करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि फ्लो चार्ट टाइपिकली शोज द फ्लो ऑफ डेटा इन अ प्रोसेस, यानी जो फ्लो चार्ट होता है वो मतलब रिप्रेजेंटेट करता है फ्लो ऑफ डेटा को एक प्रोसेस के अंदर। एंड द फिफ्थ पॉइंट आपका कह रहा है कि फ्लो चार्ट आर यूज इन एनालाइजिंग डिजाइनिंग डॉक्यूमेंटिंग और मैनेजिंग अ प्रोसेस और प्रोग्राम इन द वेरियस फील्ड, यानी फ्लो चार्ट जो होते हैं उनका हम यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए, डिजाइन करने के लिए और डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए और मैनेज करने के लिए बड़े बड़े प्रोसेस और बड़े बड़े प्रोग्राम्स को अलग अलग फील्ड के अंदर। अगला पॉइंट कह रहा है कि फ्लो चार्ट्स आर जनरली ड्रॉन इन द अर्ली स्टेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग कंप्यूटर सॉल्यूशन, यानी फ्लो चार्ट जनरली ड्रॉ किया जाता है जो अर्ली स्टेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग कंप्यूटर सॉल्यूशंस होते हैं उसके अंदर। एंड लास्ट पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि फ्लो चार्ट्स ऑफन फैसिलिटेट कम्युनिकेट बिटवीन प्रोग्रामर्स एंड बिजनेस पीपल्स, यानी जो भी बिजनेस पीपल्स होते हैं जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा हेल्प करता है क्योंकि चार्ट के माध्यम से ही चीजें पता चलती हैं कि हाँ किस तरीके से चीजें ग्रो कर रहे हैं। अब चार्ट क्या होता है, बेसिकली फ्लो चार्ट का एक डायग्राम है, जैसे यहाँ पे दिया गया एग्जांपल ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट अमॉन्ग थ्री डिफरेंट नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर, यानी यूजर अगर तीन नंबर को एंटर करे, जैसे मान लीजिए कि एक दो और तीन, तो तीन नंबर को उसने एंटर किया तो उसमें बताना है कि कौन सा नंबर आपका ग्रेटर है, ऑब्वियसली थ्री बड़ा है, तो उसको हम किस तरीके से बताएंगे। तो ए और बी और सी यहाँ पे लिया गया, तो सबसे पहले हमारा एक स्टार्ट सिंबल होगा यानी प्रोसेस को हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड हमारा स्टेप क्या रहेगा, डिक्लेयर करना वेरिएबल को यानी उस नंबर को डिक्लेयर करना कि वो नंबर किस तरीके का है, तो वो नंबर हमने मान लिया यहाँ पे कि ए बी और सी है। अब यहाँ पे जाएगा ये चीजें रीड होगा ए और बी और सी को, यहाँ पे कंपेयर होगा दो जो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज में कंपेरिजन होगा। तो अगर यहाँ पे चेक करेगा ये इफ ए ग्रेटर देन बी, यदि ए आपका बी से बड़ा है तो ए और बी से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ट्रू कंडीशन में जाएगा, यदि है तो ट्रू कंडीशन में जाएगा और वहां फिर से चेक होगा ए तो बी से बड़ा हो गया, फिर से चेक होगा क्या ए सी से बड़ा है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो प्रिंट कर देगा ए को कि जी हाँ आपका जो ए है वो बड़ा है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता, यानी कहने का मतलब क्या, यहाँ पे आप देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता यानी ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी नहीं होता तो फॉल्स कंडीशन में जाता, तो चेक होता क्या बी आपका जो है वो सी से बड़ा है, अगर होता तो ट्रू हो जाता यानी प्रिंट कर देता सी को। लेकिन अगर यहाँ पे फॉल्स कंडीशन में जाता दोनों कंडीशन में तो फॉल्स होगा, तो फॉल्स में जाके क्या प्रिंट करेगा, बी को प्रिंट करेगा। अगर ये दोनों आपके ट्रू होते हैं तो यहाँ पे आपका जो लास्ट प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट क्या होता है, वर्क करता है। अब इसके अंदर कुछ और भी पॉइंट्स है, जैसे एडवांटेजेस हो गया फ्लो चार्ट के, क्या एडवांटेजेस है, सबसे पहला एडवांटेज है कम्युनिकेशन, यानी अ बेटर वे ऑफ लॉजिकल कम्युनिकेटिंग, यानी जो भी लॉजिकल कम्युनिकेशन होता है उसको मतलब रिप्रेजेंटेट करने के लिए एक बेहतर तरीका ये हो सकता है।
इफेक्टिव एनालिसिस यानी जो भी एनालिसिस अगर हम करेंगे तो उसको इफेक्टिव बनाने में भी फ्लो चार्ट काफी मदद करता है। द प्रॉब्लम कैन बी एनालाइज इन मोर इफेक्टिव वे और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यानी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में भी ये बहुत ज्यादा मदद करता है। अगला आपका आता है इफिशियंट कोडिंग यानी अ गाइड और ब्लू प्रिंट ड्यूरिंग द सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्राम यानी जो ब्लू प्रिंट होता है उसको मतलब प्रोवाइड करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। डेवलपमेंट फेज प्रॉपर डिबगिंग यानी प्रॉपर डिबगिंग भी आपका इसके अंदर एक महत्वपूर्ण प्रोसीजर होता है, तो इसको फिफ्थ नंबर पॉइंट कर लीजिए और इसको आप सिक्स नंबर पॉइंट कर लीजिए। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, पूरा प्रोसीजर है। तो उसके बाद आपका है इफेक्टिव प्रोग्राम मेंटेनेंस, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद लिमिटेशंस आते हैं जो फ्लो चार्ट के लिमिटेशंस हैं। पहला आपका है कॉम्प्लेक्स लॉजिक, तो समटाइम द प्रोग्राम लॉजिक इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड इन दिस केस द फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स एंड क्लोमेसी। यानी कहने का मतलब क्या कि बहुत सारे जगहों पे आप देखेंगे कि जो फ्लो चार्ट होता है वो काफी लेंदी बन जाता है, जिसके वजह से जो प्रोग्राम होता है वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगला आपका है अल्टरेशन एंड मॉडिफिकेशन, तो इसमें कह रहा है कि इफ द अल्टरेशन आर रिक्वायर्ड द फ्लो चार्ट में रिक्वायर रीड्रॉइंग कॉम्प्लेक्सिटी। यदि अल्टरेशन रिक्वायर्ड है तो फ्लो चार्ट क्या होगा, रिक्वायर होगा, रीड्रॉ करेगा कॉम्प्लेक्सिटी को। थर्ड आपका है क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी एज द फ्लो चार्ट सिंबल कैन नॉट बी टाइप, रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लो चार्ट बिकम्स अ प्रॉब्लम। यानी जो चीजें होती हैं अगर एक बार हमने क्रिएट कर दिया तो उसको दोबारा हम टाइप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, फ्लो चार्ट सिंबल क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है। टर्मिनेटर बेसिकली स्टार्ट और एंड सिंबल होता है जो चीजों को टर्मिनेट करता है। उसके बाद आपका आता है प्रोसेस, उसके बाद आपका आता है डिसीजन, जिसमें हम देंगे यस और नो, क्वेश्चन टाइप होगा, ट्रू और फॉल्स भी हम रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। अगला आपका आएगा कनेक्टर। कनेक्टर क्या करेगा, बेसिकली चीजों को कनेक्ट करने का काम करेगा, यानी जंप्स इन द प्रोसेस फ्लो, डेटा, डेटा इनपुट और आउटपुट। उसके बाद आपका आता है डिले यानी कितना समय का डिले हो रहा है। एरो, एरो क्या करेगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल इन द प्रोसेस, इसको रिप्रेजेंटेट करेगा। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ हम सैंबल्स हैं, उन सैंबल्स का जानना बेहद जरूरी है, तो वो सैंबल्स हम देख लेते हैं। ये जो आपका सैंबल दे रहा है ये फ्लो लाइन को रिप्रेजेंटेट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या हो रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि यूज टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ लॉजिक बाई कनेक्टिंग सैंबल्स, यानी इसका हम यूज करेंगे इंडिकेट करने के लिए फ्लो ऑफ लॉजिक को एक कनेक्टिंग सैंबल की तरह। अगला आपका है ये सैंबल, ये एक टर्मिनल की तरह वर्क करता है जो बेसिकली स्टॉप और स्टार्ट सैंबल के लिए हम यूज करेंगे। तो इसमें डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि यूज टू रिप्रेजेंटेड स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट, यानी जो भी फ्लो चार्ट होता है उसके स्टार्टिंग और एंडिंग में हम इस प्रोसीजर को यानी इस फिगर को हम लगाते हैं। उसके बाद ये जो प्रोसीजर आपको दिख रहा है ये इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है, तो ये बेसिकली इसके डिस्क्रिप्शन में भी वही बात कह रहा है कि यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, यानी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक देख सकते हैं रेक्टेंगल टाइप में दिया हुआ है, तो ये प्रोसेसिंग के लिए है, तो यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन, यानी जो भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी चीजें आपको परफॉर्म करनी है वो प्रोसेसिंग के अंदर आपका होता है। अब ये डायमंड शेप जो आपको दिख रहा है वो डिसीजन के लिए बेसिकली यूज होता है, डिसीजन यानी बताने के लिए ये चीजें सही है या नहीं, दो चीजों के बीच कंपेरिजन करना है। जैसा कि एग्जाम्पल में हमने देखा कि एग्जाम्पल में यहाँ पे डायमंड यूज किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो डायमंड का प्रोसीजर आपको पता लग गया होगा, तो ये बेसिकली उस चीज के लिए है। उसके बाद आपका सर्कल है, तो ऑन पेज कनेक्टर यानी पेज कनेक्टर का काम करता है, तो यूज टू ज्वाइन द डिफरेंट फ्लो लाइन, यानी अलग अलग फ्लो लाइन को कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद ये जो सिंबल दिख रहा है वो ऑफ पेज कनेक्टर है, यूज टू कनेक्ट द फ्लो चार्ट और पोर्शन ऑन अ डिफरेंट पेजेस। तो इस तरीके से हमने क्या किया आज की वीडियो सीरीज के अंदर, फ्लो चार्ट को डिस्कस किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्लो चार्ट को आपको अच्छी तरीके से समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होंगी, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी अच्छी तरीके से हमने देख लिया। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, मिलता है, तब तक के लिए थैंक यू।